पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक वादों की लिस्ट लेकर जनता के बीच तो पहुंच ही रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कौन सा नया दाव खेला आम आदमी पार्टी ने, देखिए इस रिपोर्ट। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुटे हैं। फिर चाहे प्रदेश में मुफ्त बिजली और पानी देने का ऐलान हो या महिलाओं को 5,000 रुपए, हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी जनता को साधने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लंबे वक्त से जारी सस्पेंस अब भी बरकरार है। दूसरी तरफ पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इस सस्पेंस पर भी एक नया दाव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के बजाय जनता से ही आम आदमी पार्टी का सीएम उम्मीदवार चुनने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की माने तो पंजाब चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद का दावेदार होगा, वही पंजाब का मुख्यमंत्री भी होगा। ऐसे में ये जरूरी है कि जनता खुद सीएम के उम्मीदवार का चयन करे। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोग सीएम कैंडिडेट्स को लेकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके लिए लोगों के पास 17 जनवरी शाम 5 बजे तक का वक्त है। अरविंद केजरीवाल की माने तो जनता के फीडबैक के आधार पर ही आम आदमी पार्टी अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 7074870748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब चुनाव से पहले जनता किसी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का चयन करेगी। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है और लंबे समय से सीएम उम्मीदवार के नाम पर बने सस्पेंस पर जनता का फीडबैक क्या असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।